देखिए कितना खूबसूरत है, हम इस तरीके से सुगंधित कर सकते हैं, खूबसूरत से पर्दे लगा करके, बहुत ही सुंदर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको टूर कराने वाला हूं एक बहुत ही अच्छे और लग्जरी फ्लैट, जो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी समय से मुझे कॉल आ रहे थे यहाँ से, लेकिन मैं समय के कारण नहीं जा पा रहा था। तो आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए। आपको देखकर लगेगा और काफ़ी अच्छा फील भी होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप जो पूरा ब्लॉग देखिएगा तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। और रश्मि जी जो है इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगी, अभी आपको पूरा दिखाएंगी कैसा है क्या है। और चलिए तो फिर हम लोग समय को नहीं बर्बाद करते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे हैं फ्लैट्स और रश्मि जी के साथ में, इसके बाद में फिर हम और बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग एक नई साइट पे आए हैं, एक नया वीडियो लेकर के आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है और ये 2 BHK फ्लैट है, इसलिए मैं आपको लाई हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। तो आज मैं आपको इसका टूर कराऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत फ्लैट है और मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आपको कैसे लगता है आइए देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, हम इस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, खूबसूरत से पर्दे लगा करके, बहुत ही सुंदर। और इसके पीछे एक गैलरी भी है, मैं आपको गैलरी दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत गैलरी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत गैलरी, और गैलरी पूरी ओपन हो जाती है, कितनी सुंदर गैलरी है। देखिए काफ़ी स्पेस है गैलरी में भी, चेयर डाल के आप आराम से बैठ सकते हो, कितना खूबसूरत। देखिए वॉलपेपर वगैरह भी कितना सुंदर लगा के दिया है, यहाँ पे हम टीवी लगा सकते हैं, कितना खूबसूरत है। और हाँ, इस फ्लैट की खासियत है कि ये ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम है। देखिए कितना खूबसूरत डाइनिंग रूम हम बना सकते हैं आधे पे, बहुत ही सुंदर खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना सुंदर डाइनिंग रूम है, हम इस पे आधे में डाइनिंग टेबल डाल करके बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। काफी स्पेस है किचन में, और इसका सेल्फ देखिए कितना बड़ा है, गैस वगैरह के लिए भी बहुत स्पेस है। अलग से आपको मिक्सी, टोस्टर और एसेसरीज वगैरह रखने के लिए अलग से रैक आपको रैक मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ आप फ्रिज लगा सकते हैं अपना। देखिए इसमें भी गैलरी है, किचन में भी एक गैलरी है, काफी बड़ी गैलरी है, यहाँ आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, काफी अच्छी गैलरी, काफी सामान आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी लाइट लगा करके दे रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इसमें जो टैप वगैरह लगे हुए हैं ये जैगवार कंपनी के टैप हैं, कंपनी मेटेड है, कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं है, सब चीज ओरिजिनल लगा करके दे रहे हैं। और इसके सॉकेट्स वगैरह भी कंपनी मेटेड हैं, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ओरिजिनल चीज़ बना। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस फ्लैट का पहला बेडरूम कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये देखिए कितना सुंदर बेडरूम है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर भी। और यहाँ पर आप, इन्होंने ऐसे करके दिखाया कि आप इस तरीके से यहाँ पे अलमीरा लगवा सकते हैं और ऐसे हमारा बेड हम डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए गैलरी है दोस्तों, यहाँ पे कितनी खूबसूरत गैलरी है, देखिए इस गैलरी में भी काफी स्पेस है, आप देख सकते हैं कितना स्पेस है इस गैलरी में,
यहाँ पर भी हम चेयर वगैरह डाल के आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन इस टाइप का हम बेड डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी स्पेस लगेगा। और यहाँ हम टीवी लगा सकते हैं दोस्तों, देखिए टीवी के लिए भी बहुत खूबसूरत है, मना करके दिया है, हम यहाँ पर टीवी लगा सकते हैं। और वॉलपेपर देखिए कितने अच्छे लगे हैं वॉलपेपर दोस्तों। आइए दोस्तों फिर इस फ्लैट का कॉमन वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा गलियारा दिया है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर भी। आइए देखते हैं, देखिए गली है, गली के अंदर आते ही इतना प्यारा वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये सब जैगवार कंपनी के लगा करके दिया है टैप वगैरह इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वॉश बेसिन भी बहुत ही अच्छा लगाया। तो दोस्तों इसमें फुल टाइल्स लगी है लेटरिन बाथरूम में जो कॉमन वाला है, और ऊपर देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। और आप पीछे देख सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़की लगा करके दी हुई है, देखिए आप। और इसमें वेस्टर्न टॉयलेट लगाया हुआ। आइए दोस्तों हम अपना मास्टर बेडरूम देखते हैं, ये कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। आइए ये हमारा मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत मास्टर बेडरूम है, कितना अच्छा, काफी स्पेस है इसके अंदर। और यहाँ पर भी आपको एक गैलरी मिल रही है, इस फ्लैट में गैलरीज बहुत सारी हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर भी आप चेयर डाल के बैठ दोस्तों, क्वीन साइज बेड डालने के बाद भी काफी स्पेस है दोनों तरफ बेड के, और काफी स्पेस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप ऐसे मीरा लगा सकते हैं। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये, कितना खूबसूरत, काफी स्पेस है इसमें, आप बैठ करके कपड़े भी धो सकते हैं। और इसमें शावर भी लगा है, काफी अच्छा बनाया है। और वॉश बेसिन भी लगा है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़की है और गीजर कनेक्शन। दोस्तों आपको ये फ्लैट कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, हमें कॉल करके हम विजिट करें, हम आपको ये फ्लैट दिखाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। जय। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फ्लैट, अभी रश्मि जी ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, बताया इसके बारे में, तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ भी आपको जानकारी अगर लगता है कि आपको यहाँ पे नहीं मिल पाई है, आपको जो छूट गया है, आपको जानने की इच्छा है, तो नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा होगा, कॉल कीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं सारी डिटेल लिख भी देता हूँ, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं इसके रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, कितने स्क्वायर फीट का है, सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा, और इसका पजेशन कब तक मिलेगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे मिलेंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कॉल जो है करने का समय जो है सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप कॉल कीजिए। काफ़ी दोस्त हमारे जो हैं वो सुबह सुबह फ़ोन करते हैं 7-8 बजे के आसपास, दोस्तों उस समय मैं सो रहा होता हूँ तो इसलिए आपको कॉल नहीं उठता होगा, आप लोग थोड़ा इरीटेट भी होते होंगे, तो आप जो है 11 बजे के बाद कॉल करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।